गाइस, वेलकम टू माय चैनल साधना टेरिस गार्डन। दोस्तों, आज हम सैनिटाइजर बनाएंगे, वो भी रेडीमेड एलोवेरा जेल के साथ। दोस्तों, इसमें अल्कोहल की ज़रूरत होती है। स्प्रिट यूज कर सकते हैं, रबिंग अल्कोहल यूज कर सकते हैं, कोई परफ्यूम है तो वो भी यूज कर सकते हैं, डियो है तो वो भी यूज कर सकते हैं, बॉडी स्प्रे है तो बॉडी स्प्रे भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, और आफ्टर शेप है तो आफ्टर शेप भी यूज़ कर लीजिए, नहीं तो नेल पॉलिश रिमूवर भी यूज़ कर सकते हैं। परंतु नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करने पर और स्प्रिट यूज़ करने पर उसकी स्मेल थोड़ी देर बाकी रह जाती है, बाद में क्लियर हो जाती है। आपके पास जो भी उपलब्ध है आप उसको यूज़ करें। और एलोवेरा जेल तो बहुत मस्ट है, क्योंकि इससे हाथ में चिकनाई रहती है। सॉफ्टनेस बनी रहने के लिए हमने एलोवेरा जेल को यूज़ किया है। और एलोवेरा जेल हम मुन्नार गए थे, वहाँ से ख़रीद कर लाए थे बड़ी सी बॉटल, तो इसमें हमने पानी मिला के रखा हुआ है, क्योंकि बहुत थिक था, अभी भी बहुत गाढ़ा है, और पानी हम उसी हिसाब से मिलाएंगे जितना हमें ज़रूरत है। हमने 4 स्पून एलोवेरा जेल लिया है दोस्तों, और 4 स्पून ही अभी हम पानी मिलाएंगे। इसमें बराबर का पानी मिक्स है दोस्तों, तब देखिए इतनी थिकनेस है। अभी हमें जितना पानी की ज़रूरत है उतना मिलाएंगे। 4 सबसे पहले मिलाकर देखते हैं, बराबर रहता है तो ठीक, और कम पड़ता है तो और मिला लेंगे दोस्तों। तो पानी हम इसी स्पून की सहायता से बराबर मात्रा में डाल रहे हैं, और इसमें स्प्रे भी डाल देंगे दोस्तों। स्प्रे मतलब परफ्यूम, आपका इच्छा है आप जो भी डालें। 4-5 आइटम मैंने बताए हुए हैं दोस्तों, और ये 2 मिनट में बनने वाला सैनिटाइजर है। आप देख रहे हैं कि मैंने वीडियो तो 4-5 मिनट की बना दी, और 2 मिनट की मैं बता रही हूँ, परंतु दोस्तों वीडियो बनाने में और ये तैयार करने में तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि हमको पहले वीडियो बनानी पड़ती है, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है, एडिटिंग करने के बाद हमको इसमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, और फिर हम वीडियो को अपलोड करते हैं, तो टाइम लग ही जाता है। ये देखिए, हम इसमें स्प्रे 2 चम्मच के करीब डाल रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं। ये परफ्यूम वाला स्प्रे है जो हम अपने कपड़ों पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, स्प्रे हमने डाल दिया, और ये स्प्रे कोई भी कंपनी का हो सकता है। आप ये नहीं सोचिए कोई हम कंपनी का ऐड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमने बनाना बताया है, आप घर पे आराम से बना सकते हैं। केवल 2 आइटम हैं, और ज़रूरत के हिसाब से आपको कम बोतलों में भरना है तो कम बनाइए, ज़्यादा भरना है तो ज़्यादा बनाइए। बहुत ही सिंपल तरीके से घर में यूज़ होने वाले आइटम से ही हम ये सैनिटाइज़र बनाना सिखा रहे हैं। वायुमंडल में इतने वायरस हो गए हैं दोस्तों, कभी चिकनगुनिया का, कभी डेंगू का, तो कभी ये कोरोना वायरस, और कभी कोई वायरस ये निकलता ही रह रहा है, तो हमें उससे बचने के लिए अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए दोस्तों। और सैनिटाइज़र बनाना ये बहुत ही आसान है, 2 वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने नीम और ओरिजिनल एलोवेरा से बनाना सिखाया, तुलसी डालकर, और पीस कर भी बताया, जिसमें हमने आफ्टर शेप का यूज़ किया। एक में बिना आफ्टर शेप के हमने ये रोज़ वाला सिखाया था, जिसमें हमने रोज़ वाटर और रोज़ एसेंस का यूज किया था। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक भेज दूँगी, आप उनको ज़रूर देखिए कि किस तरीके से हमने और दूसरे भी सैनिटाइज़र बनाए। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, आप इसको आराम से बनाइए और अपने घर पर यूज़ करवाइए, और आप भी यूज कीजिए, स्वस्थ रहिए और सबको स्वस्थ रखिए दोस्तों। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। देखिए, हमारे घर की बेटी आपको सैनिटाइज़र कैसे यूज़ करना चाहिए वो बता रही है। सैनिटाइज़र हाथ में लिया है, चारों तरफ लगाइए अच्छी तरह से, अपने हाथ को मिलाकर, और ये उंगलियों में भी लगाइए। ये देखिए कितने प्यार से लगाती है, और सबको भी बताती है इस तरीके से यूज़ कीजिए दोस्तों। आप भी इससे सीखिए और आप यूज़ कीजिए दोस्तों, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों।